नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। सो गाइस, बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि यार टास्क बाइट जो इंटेंट स्काउट्स ऐप है कि उसके ड्राइविंग के बारे में बताओ कि ड्राइविंग की अर्निंग कैसे होती है, क्या कुछ करना पड़ता है। बाकी गाइस वो चीज़ तो बताएंगे, लेकिन अभी टास्क बाइट का एक अपडेट और आ चुका है। तो सबसे पहले तो जो भी ये भाई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो अपडेट कर लें एप्लीकेशन को, ठीक है भाई। टास्क बाइट में अभी और जो नया अपडेट है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। गाइस आपको पता है कि यार जेन्युइन और प्रोफेशनल ये बड़ा ही मस्त एप्लीकेशन है भाई। अभी देखो आपको यहां पर ना ड्राइविंग का, अभी आपको यहां पर जो पहले लाइन दिखाई देती थी ना, अभी वो पता चल जाएगी। जैसे अभी मतलब कि जो स्क्रैच कार्ड मिलना होगा ना आपको, तो वो पता चल जाएगा आपको अभी। अभी जैसे मेरा ये 44% यहां पर शो कर रहा है ना, जैसे ये 100% हो जाएगा तो मुझे यहां पर स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। डिटेल्स में जाएंगे तो यहां पर स्क्रैच कार्ड आ जाएगा। जैसे मेरी 430 रुपये की सिर्फ ड्राइविंग से अर्निंग हुई है तो यहां पर स्क्रैच आ जाएगा, उसको हम स्क्रैच कर लेंगे, ठीक है भाई। अभी ये चीजें जो शो होने लग गई है। दूसरी बात, यहाँ पर देखोगे तो परफॉर्मेंस में भी अभी चेंजेस कर दिए हैं। देखो जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो यहाँ पर देखो भाई अभी सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस डिटेल कलेक्शन, यहाँ पर आ जाती है कितनी आपने सबमिट करें POI या जो वो होते हैं हमारे। उसके बाद नीचे आ जाती है हमारे रिव्यू, जो नेम रिव्यू करते हैं हम, ठीक है भाई। दूसरा उसका आ जाता है कितने आपके टोटल सबमिटेड है, एक्सेप्टेड कितने, रिजेक्टेड कितने। तीसरे आ जाते हैं टास्क का। तो भाई इन्होंने अभी ये वाला जो नया ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, तीसरा टास्क वाला, हो सकता है अभी आपको टास्क जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि उम्मीद तो ऐसी ही है क्योंकि इन्होंने अभी टास्क वाला दिया है, तो हो सकता है आपको एक दो दिन में टास्क देखने को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। अभी देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर रिव्यू वाला आ जाता है, जो भी आप यहाँ पर नेम वगैरह डालोगे तो वो आपके उधर आ जाएंगे। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर एक दिन बहुत दिन पहले मैंने अपडेट दी थी, क्योंकि मैंने देखो एक दिन इस यहाँ पर रिडीम लगाया था भाई 903 रुपये का, सीधे का सीधा पेटीएम में चला गया था, ठीक है। तो अभी देखो ड्राइविंग की अर्निंग कैसे करनी है। ड्राइविंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ड्राइविंग अर्निंग, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से चले जाओ ड्राइविंग अर्निंग, और यहाँ पर तीन लाइनें बनी हुई हैं जो यहाँ पर देखोगे तो, या फिर आप सेटिंग पर आ जाओ, सेटिंग पर आकर ऐप डायग्नोस्टिक्स ये लिखवाना चाहिए, इसके ऊपर आ जाओ, ठीक है, तब भी यहाँ पर आ गए। अगर आपने सीधे आना है तो यहाँ पर देखो ड्राइविंग अर्निंग के बिल्कुल यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है, इसके ऊपर ओके करो, तो भी आप यहीं पर आ जाओगे। अभी यहाँ पर आपने सभी चीज़ों पर टिक करनी है। ऑटो इनेबल, जो ये ऑटो स्टार्ट वाला है, ये चाहे हो चाहे ना हो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आपको अर्निंग होगी होगी, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको पता ही है कि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर उनको पता है कि मैंने कितने सारे टास्क पूरे करे हैं। मैं लगातार 8 दिन भाई बहुत सारी ड्राइविंग करी है, तो मेरा भाई ये बैटरी सेविंग ये भी मेरा ऐसे ही रहता था, मतलब ये तीनों पर टिक नहीं होती थी, फिर भी मुझे स्क्रैच कार्ड मिलते रहते थे। होता ये है कि यहाँ पर देखो मैं बैटरी सेविंग को पहले पावर सेविंग को ऑफ कर देता हूँ, ये देखो पावर सेविंग है ना, इसको ऑफ कर दिया, अभी इस पर टिक लग जाएगी अपने आप। यहाँ पर होता ये है कि अगर आप ये सब चीज़ों को ऑन नहीं करते तो आपको अर्निंग है जो स्लो होती है, देखो मेरी यहाँ पर टिक लग गया ना, अगर आप इन सब चीज़ों को ऑन कर लोगे तो आपको जल्दी ही अर्निंग मतलब कि जल्दी स्क्रैच कार्ड मिल जाता है 40-50 किलोमीटर पर। अभी एक भाई का यार कमेंट आया हुआ है कि 1 किलोमीटर पर कितने देता है। भाई यार तुम लोग भी पढ़े लिखे हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम दूध पीते बच्चे हो। 1 किलोमीटर पर आपको ही पता है कि ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं होएगा, चाहे ये भी लगा लो कि ऐसा ना ही आने वाले समय में ऐसा कोई अपडेट दे सकता है कि 1 किलोमीटर के भी आपको पैसे दे दे। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं तो पहले भी बोलता था, मैं 2 साल से इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ और 2 साल से इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर आप कहीं भी जाते हो, स्पेशल मत जाओ, अगर कहीं जाते हो लॉन्ग जर्नी पर, बस में, ट्रेन में, बाइक पर, गाड़ी पर, कहीं भी, तब इसको ओपन कर लो, सारी चीज़ों को ऑन कर लो। अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली जा रहे हो यार 5-10 किलोमीटर, तो चलो करके रखो फिर भी ठीक है, फिर स्लो होएगी। ऐसा नहीं कि आपको डेली की डेली मिल जाएगी, कम से कम 10-15 दिन के बाद आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, ठीक है भाई। अभी आप ये चीज़ नोट कर लें, इस चीज़ के लिए मुझे कमेंट ना आए। अभी ये ऐप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ठीक है। अभी चाहे तो आप यहीं से सेटिंग में चले जाओ, ठीक है। अभी अगर मैं दूसरा आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है, या तो यहाँ से आप ढूंढ लो इसको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को, चाहे इसको मैं कट करता हूँ, आप सीधा हमारा टास्क वाइट एप्लीकेशन ये रहा, इसको प्रेस करके रखो, चाहे तो आप यहाँ से आ जाओ, किसी फोन में कैसे होता है, इसको ओके करके रखो। यहाँ पर आ दिया ऐप इन्फो में आ जाना है अपने, तो आप चाहे सेटिंग से आएँ चाहे इधर से सीधा आएँ। ऐप इन्फो पे आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो आपको भाई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नोटिफिकेशन हमारे अलाउ हैं, तो बैटरी यूजेस के ऊपर हम ओके करेंगे, पावर सेविंग है जो हमारा ऑफ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है अलाउ फॉरग्राउंड एक्टिविटी, ठीक है, इसको आपने अलाउ रखना है। उसके बाद आ जाता है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, इसको भी ऑन कर देना है, इसको हम ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अलाउ ऑटो लॉन्च, अभी किसी में तो यहाँ पर होएगा अलाउ ऑटो स्टार्ट,
या फिर होएगा अलाउ ऑटो लॉन्च, ठीक है। तो एक कोई बात है, दोनों को ऑन कर देना, ठीक है, बैटरी वाले में आकर, ठीक है, बैटरी वाले के आकर इसमें ऑन कर देना। अभी हम उस वाले एप्लीकेशन में चलते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो बैटरी वाला भी ऑन हो गया ना, अभी ये वाला नहीं हुआ और ये वाला होएगा भी नहीं, ठीक है भाई। लेकिन आपको अर्निंग होएगी जो भी आप ड्राइविंग करोगे। और अभी एक चीज़ और बेनिफिट करती है, सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पर आपको शो होने लग गया अभी, कि आपका जो यहाँ पर कितनी ये जो ग्रीन बार और कितना जो मतलब स्क्रैच कार्ड वाला है कि कितने टाइम में ये भरेगा, आपको शो होता रहेगा कि 44% हो गया, 50% हो गया। जब ये 100% हो जाएगा आपको यहाँ पर स्क्रैच कार्ड भेजेगा, उसको आप स्क्रैच करोगे यहाँ पर तो आपका ऑटोमेटिकली पेटीएम पर भेज दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो यही फंडा है ये नए वाले अपडेट का। बाकी एक चीज़ और है जो यहाँ पर अभी ऐड कर दी गई, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना टूडेज अर्निंग ओवरव्यू, इसके डिटेल्स के ऊपर आप ओके करोगे ना, तो पहले यहाँ पर आपको तीन चीज़ें मिली थी, अभी अब एक चीज़ और ऐड कर दी गई है टास्क वाली। पहले यहाँ पर क्या था, POI रिव्यू और ड्राइविंग, अभी यहाँ पर टास्क वाला भी ऐड कर दिया गया, जहाँ पर आपको टास्क जो भी हम टास्क कंप्लीट करे हुए हैं अप्रूव और डिसअप्रूव, ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी आपको, जो भी डिसअप्रूव हुए हुए हैं आपके और जो भी आपने अप्रूव हुए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये मेरे कितने सारे टास्क हैं जो मैंने अप्रूव किए हुए हैं, जो मेरे जो भी यार देख लो आपके सामने हैं। और एक चीज़ और जो यहाँ पर अगर बात करें हम लास्ट वीक लास्ट मंथ, तो ये ऐसे ही पड़े हैं भाई, POI में भी देखो लास्ट वीक लास्ट मंथ के ऐसे ही शो हो रही हैं। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है इसकी, इस चीज़ पर मत जाना कि लास्ट वीक और लास्ट मंथ में सिर्फ 220 या इतने ही शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको हाँ ये चीज़ें सारी जो भी ये अप्रूव हुई हुई हैं ना, तो जो डिसअप्रूव भी हैं, इन सभी जगहों पर मैं गया हूँ और इनमें कुछ ना कुछ जो मेरी डिसअप्रूव हुई हैं, जो जो हम बोल सकते हैं कि ब्लर करके या फिर दूर दूर फोटो होने करके मेरी हुई हैं। सो गाइस यही है जो नई अपडेट में चीज़ें जो ऐड कर दी गई हैं। बाकी अगर भाई मैं बात करूं लीडरबोर्ड की, लीडरबोर्ड आप देख सकते हो ये कल यस्टरडे जो बनता है भाई, देखो 421 रुपये दिस मंथ में देखोगे तो भाई राहुल पहले नंबर पर चल रहा है इसमें, तो अभी मैं भी होऊंगा भाई देखो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर है कुलविंदर आपके सामने, 4495 रुपये की मेरी अर्निंग हुई हुई है दिस मंथ। लीडरबोर्ड में भी अभी शो होता है जो भी बंदा जितनी भी अर्निंग करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिव्यू आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाता है POI और इंसिडेंट, ठीक है। टास्क अभी है नहीं है लेकिन मुझे लगता है आएंगे, देखो ऐड न्यू प्लेसेस इन POI अर्न मोर, तो टास्क हो सकता है आ जाए मेरे को लग रहा है, लेकिन POI आप यहाँ से कर लो। बाकी यार देखो अभी इन सब में से क्या अपडेट आया इसका भी मैं आपको आगे बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर बता दूंगा। कार पार्किंग के वैसे पहले 15 मिल रहे थे, पेट्रोल पंप के 10 मिल रहे थे, बाकी सभी चीज़ों के एक एक रुपया ही मिल रहा था, ठीक है। किसी भाई ने वीडियो बनाई कि स्कूल कॉलेज का 10 मिल, स्कूल कॉलेज के 22 या 27 मिल रहे हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़ा यूट्यूबर है उसने बनाई वीडियो, उसने बोला कि स्कूल कॉलेज की फोटो खींचते तो 27 रुपये मिलते हैं। भाई कुछ नहीं मिलता, सिर्फ 1 रुपया ही मिलेगा, ठीक है, वो भी अप्रूव होने पर। तो बाकी पेट्रोल पंप और कार पार्किंग इसके मैंने बहुत बार लिए हैं और बहुत बार मैंने जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं पेट्रोल पंप की फोटो खींचते ही जाता हूँ, जाते जाते समय पेट्रोल पंप की सारी फोटो खींच के जाता हूँ और मुझे स्क्रैच कार्ड भी आते रहते हैं ड्राइविंग वाले, ठीक है। इंसिडेंट वाले भाई अभी इंसिडेंट के मैंने काफ़ी सारे फोटो खींचे हैं, सही बताऊँ तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया का भी खींचा, ठीक है, पुलिस चेक पोस्ट का भी खींचा, रोड कंस्ट्रक्शन का भी खींचा और यहाँ पर मैंने स्पीड गन के बहुत सारे खींचे हैं और वाटर लॉगिंग के भी खींचे हैं, लेकिन मुझे इन सब में से किसी एक की भी पेमेंट नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि मैं तो जो चीज़ होती है भाई वही बताता हूँ। हालांकि अभी इसमें अगर टास्क आ गया ना तो भाई आप ऐसा लगा लो कि आपकी बहुत यार ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने पिछले महीने इस ऐप से सिर्फ 7 दिन में 18,000 रुपया कमा लिया था सिर्फ टास्क में, टास्क आए थे जब, ठीक है। बाकी टास्क आएंगे तो सबसे पहले आपको भाई मेरे चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस यही है आज का अपडेट कि यहाँ पर आपको अभी ये ड्राइविंग बड़ा शो होने लग गया है और यहाँ पर ये परफॉर्मेंस में भी आपको तीन चीज़ें देखने को मिल गई हैं। तो गाइस मिलते हैं कल को भाई नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।